أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन लाइन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन की कंबाइंड लैब के ट्रांसमिशन लाइन कनेक्शन के पैरेलल ट्रांसमिशन लाइन कनेक्शन के साथ तो हम हाज़िर हैं और आज की इस परफॉर्मेंस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट सीरीज कनेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन के अंदर मैंने ये डिस्कस किया था कि जब जनरेशन हमारी हो जाती है, लेट से हम जनरेशन अपनी करते हैं, तो जनरेशन के बाद जो हमारी फर्दर मोर स्टेप अप किया जाता है ट्रांसफार्मर के ज़रिए से, स्टेप अप करने के बाद हम उसे कनेक्ट करते हैं। मेजरमेंट सारी चीज़ें करने के बाद के कितने वोल्टेजेस आ रहे हैं, स्टेप अप करने के बाद, स्टेप अप करने के बाद जो हम ट्रांसमिशन लाइन को वोल्टेजेस प्रोवाइड करते हैं वो डबल और ट्रिपल सर्किट्स में प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने कनेक्शन इस तरह किए हैं कि इन ट्रांसमिशन लाइन के जो रेड, येलो और ब्लू के कनेक्शन हैं, इन्हें पैरेलली यहाँ पर भी कनेक्ट किया है, फिर यहाँ से मैंने यहाँ कनेक्ट किया है, फिर यहाँ से मैंने यहाँ कनेक्ट किया है। इन पैरेलल कनेक्शंस का फ़ायदा ये है कि इन तीनों में एक ही लेवल के वोल्टेजेस जा रहे होंगे और बाय चांस ऑफ ऑपरेशन ऑफ मेंटेनेंस अगर आपको ये सर्किट बंद करना हो या ये बंद करना हो तो आपकी ट्रांसमिशन लाइन का नेटवर्क यहाँ से होता हुआ तीसरे सर्किट से होता हुआ आपके लोड को ड्राइव कर लेगा। फर्दर मोर अगर आपके ये दो सर्किट ऑपरेशन ऑफ द मेंटेनेंस या फॉल्ट की वजह से बंद हो तो आपका ट्रांसमिशन लाइन का सर्किट यहाँ से जो हमने जंप करके यहाँ पे डबल सर्किट ट्रिपल सर्किट में दिया हुआ है वो यहाँ से होता हुआ ग्रिड में आगे फॉलो हो जाएगा। फर्दर मोर इसी तरीके से ये हमने कनेक्शन हासिल किए हुए हैं एक पैरेलल वे में जो ग्रिड को प्रोवाइड करेंगे लोड के ज़रिए से। मैंने कनेक्ट नहीं किए लेकिन ये तीन कनेक्शन रेड, येलो, ब्लू के हम कनेक्ट कर सकते हैं। फर्दर मोर हमारा जो सेकंड सर्किट है उसको भी हमने कनेक्ट नहीं किया लेकिन यहाँ पे एम्प्टी छोड़ा हुआ है कि इसको भी हम कनेक्ट कर सकते हैं अपने लोड के साथ। ये भी हमारा पैरेलल एज अ प्रोविजन सर्किट के तौर पे काम कर रहा है सेकंड सर्किट। थर्ड सर्किट की अगर हम बात करें तो ये थर्ड सर्किट पैरेलल वे में भी इस तरह से मौजूद है जिसको हम अपने पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पैरेलल ऑपरेशन में फ़ायदा ये होता है कि इसको मल्टीपल सर्किट्स के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। मल्टीपल सर्किट्स के तौर पे जब हम इसे इस्तेमाल करते हैं तो मेंटेनेंस, ऑपरेशन, फॉल्ट और दीगर मकसद के लिए अगर हमें किसी एक नेटवर्क को, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकंड हो या थर्ड, कोई एक या दो बंद करने पड़ जाएँ तो हमारा जो लोड है वो किसी एक सर्किट में फुलफ़िल हो जाए, इस मकसद के लिए हम पैरेलल सर्किट को इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन कंसिस्ट ऑफ डबल सर्किट, ठीक है। डबल सर्किट का फ़ायदा ये होता है कि हम उनमें प्रोविजन ऑफ कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं और बहुत सारे जो हमारे फॉल्ट मेंटेनेंस किस्म के ऑपरेशन होते हैं वो इस तरीके से परफॉर्म हो जाते हैं विदाउट द इंटरप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इस कनेक्शन में हमने सीरीज़ कनेक्शन पैरेलल से बहुत ज़्यादा आसान है जो कि हमने एक ही कनेक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर से जम करके तीन सर्किट्स बनाए और उसे ग्रिड के ज़रिए से ट्रांसमिट कर दिया। आखिर में फिर जो हमारे सप्लाई मिल रही होती है इस एंड पे जिसको फर्दर मोर एट द एंड डेस्टिनेशन ऑफ द ग्रिड पे हम हासिल करते हैं उसकी मेजरमेंट भी यहाँ पे ले ली जाती है। ये फर्दर यहाँ पे आउटपुट लोड ऑफ RLC है जिसमें रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड को कनेक्ट किया जा सकता है। तो हाँ, यहाँ पे हमने दीगर ऑप्शंस और पैरामीटर्स को भी टच पहले कर लिया था लेकिन इसके बारे में बता देता हूँ कि अगर आपको कैपेसिटेंस लाइन टू ग्राउंड, लाइन टू लाइन ऐड करनी हो तो आप स्विच को इस्तेमाल करके कर सकते हैं। रेजिस्टेंस को ऐड करना हो विद द लोड साइड ऑफ द इंटरनल ट्रांसमिशन लाइन तो उसे आप ऐड कर सकते हैं, इंडक्टेंस को। और चौथा स्विच जो आपका है वो अगर आपको फेस टू न्यूट्रल एडअप करना हो कैपेसिटेंस को तो उसके लिए भी आप इसमें एडअप कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन 80 किलोमीटर तक होती है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन 150 किलोमीटर तक होती है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन 250 किलोमीटर तक होती है और एट द एंड में हमने यहाँ पे तीन तरह के लोड लगाए हुए हैं जो कैपेसिटिव लोड, कैपेसिटिव विद डेल्टा कनेक्टेड, स्टार कनेक्टेड, रेजिस्टिव और इंडक्टिव लोड। ये चार किस्म के लोड हमने यहाँ पे, वैसे तो वो तीन कैटेगरी, कैपेसिटिव को दो कैटेगरी में कैटराइज डिवाइड किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया, तो उसके बिहाफ पे हमने कनेक्शन को देखा। एट द एंड में हमें प्रोविजन ऑफ मल्टीपल सर्किटरी ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन के नतीजे में हम मल्टीपल वे में सर्किट जो यहाँ पे ड्राइव करते हैं उससे हासिल कर लेते हैं अपना टास्क। और ये एक सेफ साइड इंटरकनेक्टेड सिस्टम भी कहलाता है और इंटरकनेक्टेड सिस्टम के अंदर हम सप्लाई को मल्टीपल वे आउट से इस्तेमाल कर सकते हैं मेंटेनेंस और ऑपरेशन
फॉल्ट पर्पज़ के लिए। और इस तरीके से मोस्ट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन के नेटवर्क आपको जो कि 132 kV, 220 kV या 500 kV के मल्टीपल पैरेलल सर्किट्स में नज़र आएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। और इस सेशन में कोई डिफ़िकल्टी, कोई प्रॉब्लम हो आप में से किसी को, तो फील फ्री टू आस्क, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। सो यहाँ पे सेशन को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।